बॉय बॉय टोटल जोश हमारा है। स्टोरी तुम्हें सुनानी है। रोको तो रोको, हमको आज हमारी बारी है। क्रिश एंड बॉटी बॉय, क्रिश एंड क्रिश एंड बॉटी बॉय। हमारी बारी है। हुकुम, आपने आज तक 21 राजकुमारियों को मना किया है, आखिर आपको कैसी पत्नी चाहिए? मुझे चाहिए कैसी पत्नी जो सुंदर के साथ हो, समझदार भी, जो हासिल करना जानती हो और त्याग करना भी, जो बहादुर हो और कोमल भी, जिसे देखकर मैं दिल हार जाऊं और जिसे पाकर मैं सब जीत जाऊं। ऐसी तो सिर्फ एक ही राजकुमारी है कुंवर साहब, निमरानारी राजकुमारी पद्मा। लेकिन लेकिन के मंत्री जी? लेकिन जे कि आज तक कोई भी राजकुमार उनका दिल नहीं जीत सका है। आपकी तरह उन्होंने भी कई विवाह प्रस्ताव ठुकराए हैं और जिन्हें वे ठुकरा देती हैं, वो कभी लौट के अपने राज्य वापस नहीं आते। जिसे पाना ही हो एक चुनौती, उसमें कुछ बात तो जरूर होगी। मैं आज ही निमराना जाऊंगा, अगर देवी माँ ने चाहा तो राजकुमारी पद्मा को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये क्या कर रहे हो भाया? कुंवर सा, जे घोड़ो गनो अड़ियल है। जे अड़ियल नहीं, तुम सड़ियल हो, हटो पीछे। तुम ठीक तो होना दोस्त? कुंवर सा, मारो घोड़ो, आप इसे कटे लेके जा रहे हो। ना इंसाफी किसी के साथ ना होवेगी, तुम्हारा घोड़ा अब मेरा हुआ। धन्यवाद कुंवर सा। आपने मारी रक्षा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर साहब। तुम बोल सकते हो? ये तो हमारे टैलेंट का सिर्फ एक छोटो सो नमूनो है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब लगाम कस कर पकड़ लीजिए कुंवर साहब। वाह वाह पवन, मैं थोड़े पवन बुला सकूँ ना? घोड़े के लिए नाम थोड़ा ओल्ड फैशन वाला जरूर है, पर आप मने पवन एयरवेज बुला सकते हो। पवन, एक बात मने समझ नहीं आई, तुमने बोलना और उड़ना कैसे सीखा? हमारे परिस्थान में हर किसी के पास गज भर की जबान और दो पर होवे है, बस उड़ना सीखने के वास्ते फ्लाइंग स्कूल जाना पड़े है। तुम परिस्थान से हो तो फिर यहाँ धरती पर कैसे आ गए? मैंने इंसानों के बारे में घनी कहानियाँ सुनी थी, इसीलिए एक रात परिस्थान में बिना किसी को बताए अठे आ गयो। लेकिन जब परिमा को पता चला तो वे घनी नाराज हुई और उन्होंने मने श्राप दी दो कि जब तक मैं धरती पर किसी री मदद नहीं कर देता, तब तक परिस्थान में मारे वास्ते नो एंट्री। लेकिन जब भी मैं किसी री मदद करने गयो, पता नहीं क्यों हमेशा सब उल्टो पुल्टो ही हो गयो। मतलब एक बार घनी गर्मी के दिन मैंने कुछ महिलाओं री कुआ थी पानी निकालने वास्ते मदद करनी चाहिए, पर वे मने देखकर इतनी डर गई कि मारे सर पे ही मटको फोड़ के भाग गई। मैं एक बार तो बे आदमी घनी भारी गठरी लाद के जा रहे थे तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी, फिर पता चला कि वे दो तो चोर थे
और उनकी मदद करवा वास्ते दरोगा जीरो दंडो मणे पड़ियो। आज भी घणो दर्द हुए। मदद करना भी आसान काम नहीं दोस्त। सो तो है कुंवर सा, पर जे तो हो गई मारी कहानी। आप इतना सज धज के कठे जा रहे हो। निमराणा, राजकुमारी पद्मा से मिलने। सुना उनका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। लड़की होए या घोड़ी, मुश्किल तो दोनों का दिल जीतना होए है कुंवर सा। पर तोहफा अच्छा हो तो काम आसान हो जावे है। तोहफा? और नहीं तो क्या, बिना तोहफे के कोई घोड़ी, हमारा मतलब है कोई लड़की घास भी ना डालेगी। तो अब मैं के करूँ, उन्हें क्या दूँ? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें के पसंद है और के नहीं। फिकर नॉट, आपको शादी की घोड़ी पर तो ये घोड़ा चढ़वा कर ही रहेगा। यहाँ तो कुछ समझ ना आ रहा है भाया। किसी की खुशबू अच्छी है तो किसी का रंग, किसी की बनावट अच्छी है तो किसी की सजावट। सॉरी कुंवर सा, अलग ही सही, पर हूँ तो घोड़ा ही और मारे लिए तो जे सारे घास बराबर ही हैं। इसमें मैं आपकी कोई मदद ना कर सकूं। हाँ, लेकिन मैं कर सकती हूँ कुंवर सा। अरे आप भी परिस्थान से होके? अरे वाह, जंगल में मंगल? मंगल नहीं, मधू। मने बताओ कौन है अपनी होने वाली मधू? थारे को कैसे पता चला? अरे हम मधुमक्खियों का ना बड़ा जोरदार नेटवर्क होवे कुंवर सा। अरे बात खत्म होने से पहले ना हम तक पहुंच जावे। अपनी मुस्कान बता रही है कि जे अपनी पहली मुलाकात है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी हाँ, सूरजमुखी। अरे नहीं, जे शाम तक मुरझा जाएगा। रात की रानी, लेकिन दिन में ना खुशबू नहीं आएगी। गेंदा, ये ससुराल की याद दिलाएगा। गुलाबो जरा कुंवर सा को बुला दो। गुलाब बोलिए, कौन सा दू, लाल, पीला, हरा, नीला? जो भी निमराणा की राजकुमारी पद्मा को पसंद आ जावे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब बहन? अरे कुंवर सा, जानते नहीं, आज तक राजकुमारी पद्मा का हाथ जो भी मांगने गया है ना, वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पर क्यों? अरे विवाह के लिए उनकी जो शर्तें हैं ना, उन्हें पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाय, ऐसी कौन सी शर्तें हैं? ओए अकल बड़ी या घोड़ा, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। अगर कोई जिंदा लौटा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो शर्तें है क्या? ओए अभी थाने दिखाता हूँ। नहीं पवन। ओए भारे नारियल, बाहर टफ बॉडी, अंदर सॉफ्ट दिल, लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं आप? ना कुंवर सा, मैं आपने मरते हुए ना देख सकूं। मत जाओ कुंवर सा, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, मत जाओ कुंवर सा। मैं ना रुक सकूं, मुझे चाहिए सच्चा प्यार और उसके लिए हर चुनौती है स्वीकार। प्रेमी है, दीवाना है। हाय हाय कुंवर सा, जे बोल के तो जान ले लिया आपने। अगर जे बात है ना तो हम भी साथ चलेंगे। हाँ हम भी चलेंगे। हाँ हाँ हम भी चलेंगे। अरे पर मैं ही तो लेकर जा रहा हूँ।
तोहफे से राजकुमारी पद्मा का दिल नहीं जीता जा सके। महारी से विवाह करने के लिए पहले आपको महारी 3 शर्तें पूरी करनी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। मैं तैयार हूँ। हाँ कहने से पहले एक बार शर्तें तो सुन। शर्तों पे दिल नहीं जीते जाते, और मैं यहाँ आप दिल जीतने आया हूँ राजकुमारी। बोली, अपनी पहली शर्त के है। बात सिर्फ शर्त की नहीं है कुंवर सा, श्राप से मुक्त करने की है। श्राप? जल्द ही आपको पता चल जाएगा कुंवर सा। विवाह के बाद पति को पत्नी के अवगुण छोड़कर सिर्फ गुण ढूंढने चाहिए। इसीलिए मारी पहली शर्त में आप इन चावलों से कंकर बीन कर इसे साफ करेंगे, पर जे काम आपको अगले आधे घंटे में खत्म करना है। इतनी जल्दी इतना मुश्किल काम मैं अकेले कैसे कर सकूं? ओए, किसने कहा आप अकेले हैं कुंवर सा? सिर्फ 30 मिनट है आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 30 मिनट। आज तुम ये काम पूरा कर पाओ या ना कर पाओ, ये 30 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो आज एक खाना सामने है, टूट पड़ो। वाह क्या स्पीड है, 4G है के 4G कोड़ी, ये तो एंटेल का नेटवर्क है। वाह, मारा मतलब नामुमकिन जी नहीं हो सकता। नामुमकिन कुछ नहीं हुआ है राजकुमारी पद्मा, मैं अपने पहली शर्त जीत गया हूँ। और हमारे राज्य के लोगों का दिल भी जीत गए हैं कुंवर सा। दासी जाओ, जे सारे चावल गरीबों में बांट दो। जे राजकुमारी में कुछ तो बात है। विवाह के लिए जरूरी है कि सूरत से ज्यादा चरित्र देखा जावे, और चरित्र पहचानने के लिए तेज नजर चाहिए। इन सारी मूर्तियों में से सिर्फ एक असली औरत है, आपको बस दूर से देखकर उसे एक बार में पहचानना है। ये काम तो मधु आराम से कर सकती है। क्या आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे कुंवर सा? हार? हमारी डिक्शनरी में तो सिर्फ फूलों का हार है जो मैं आज आपने पहनाऊंगा। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? दूसरी लाइन की तीसरी मूर्ति मूर्ति ना है। आपकी चतुरता और तीव्र नजर की मैं कायल हो गई हूँ कुंवर सा। कैसे? मूर्ति की आंखों में आंसू? यही तो श्राप है कुंवर सा, ये सारी मारी भेड़े हैं जो पत्थर की मूरत बन गई है, और अगर आप तीसरी शर्त भी पूरी कर ले तो मारी जे सारी भेड़े फिर से जीवित हो जाएंगी। तो आप तीसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए कुंवर सा, मणि आपसे घनी सारी आशा है। विवाह के लिए जरूरी है कि दुख के रेगिस्तान में भी उम्मीद को ढूंढ के लाया जाए, इसीलिए अगर आप सूरज ढलने से पहले मारी जे अंगूठी ढूंढ लाए तो मारी बहने श्राप मुक्त हो जाएंगी और मैं आपसे विवाह कर लूंगी। ये क्या? ये तो दलदल है। ये आखिरी चुनौती इतनी आसान नहीं है कुंवर सा, हमारी देवी माँ से प्रार्थना है कि आप इस आखिरी चुनौती को भी पार कर सके। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक दलदल है। और पवन कुंवर सा, अब देखिए
जय हॉर्स की होशियारी। जय बाल, दलदल से तो बाहर आ गए कुंवर सा, लेकिन रेत में ये अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? मने लागियो कि पद्मा मारो सच्चो प्यार है, लेकिन शायद वो हमारे किस्मत में ना है। अरे पद्मा नहीं तो पारो, कहीं तो होगो प्यार आपरो। मारे दोस्त, बात अब सिर्फ राजकुमारी पद्मा को पाने की नहीं, उनकी बहनों को श्राप से मुक्त करने की है। श्रापित होने का दुख मारे से बेहतर कौन जाने, पर आप इतने दुखी ना हो कुंवर सा। दुख? अरे यही तो कहा था उन्होंने, विवाह के लिए जरूरी है कि दुख के रेगिस्तान में उम्मीद को ढूंढ के लाया जाए। अंगूठी वहाँ है। हैं? आपने कैसे पता चला कि अंगूठी यहीं होगी? रेगिस्तान में होगा कैक्टस ही वो उम्मीद है जिसे ढूंढने की बात राजकुमारी पद्मा ने कही थी। वो चाहती थी कि मैं अंगूठी ढूंढ लूं, इसीलिए उन्होंने मने संकेत दिया था। आपने बिना कहे मारे मन की बात जान ली। मारा राज्य और मारी भेड़े आपकी आभारी है कुंवर सा। अब ये राज्य भी आपका और मैं भी। आपरी मदद करके मैं भी अपने श्राप से मुक्त हो गयी हूँ। अब जे पवन एयरवेज टेक ऑफ कर रही है, जे बाय बाय, जे टेक केयर कुंवर सा। अलविदा मेरे दोस्त, हारो ख्याल रखो।